उत्तर प्रदेश के मुखिया अपराध रोकने की चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाने में जरा भी नहीं चूकते। ताजा मामला हमीरपुर जिले के थाना से सोलर के भूसली खदान का है, जहां पट्टा धारक के गुर्गों ने राइफल से ड्राइवर को भून दिया। बुंदेलखंड में मोरंग खदानों में आए दिन होते रहते हैं हादसे। हमारे ड्राइवर का नाम है अरुण और भूसली खदान गए थे मोरंग लेने। वहां से भूसली खदान 3 नंबर में गए थे मोरंग लेने। वहां से मोरंग लेके ऊपर चढ़ के आए थे और ऊपर लेबरों से बराबर हुई थी। लेबरों से बराबर होकर के लेबरों 50 रुपये मांग रहे थे, उनको मैंने 30 रुपये दिए थे। उसके बाद छुट्टे नहीं थे और उन्होंने बोला, दो लोग बैठे थे, उन्होंने एक लोग बोले कि जो टोकन चाहते हैं वो बोले कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके गोली मार दो। उसने आया और गनर ने गोली मार दी। सर, एक खदान में गोली चलने का मामला है, क्या मामला है? थाना सिसोलर में बोलसी में खदान है, इसका संख्या 3। यहाँ रात्रि में 4 बजे यूपीएमएल को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को, जो ट्रक ड्राइवर है, उसको खदान के ही किसी कर्मचारी के द्वारा गोली मार दी गई है। इसीलिए उसी की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहाँ जांच किया गया तो यह पाया गया कि जो ट्रक था वो लोड होकर जब जाते हैं तो इनको ये लेबलिंग करते हैं ऊपर से, और उसी लेबलिंग की कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर की और वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारी थे उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गया। उसी में से जो एक गार्ड था उसके द्वारा गोली चलाई गई जिसमें इनको गोली लगी और इनकी मौके पर मौत हो गई। इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ अन्य कार्रवाई पोस्टमार्टम की और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। और जो खदान संचालक है उनके मैनेजर और इनको करीब 8-7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जल्दी जो व्यक्ति था जो कि अभी मौके से फरार है जिसने घटना किया है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति था और कौन से असले से उसने गोली चलाई थी, इसकी भी जानकारी की जा रही है। अगर वो लाइसेंस से असला है तो उसको जमा कराया जाएगा, लाइसेंस लेस की